जॉन अब्राहम और शर्वरी बाग की नई फिल्म बेदा को सेंसर बोर्ड का यूएस सर्टिफिकेट मिल चुका है। हालांकि फिल्म के कुछ सीन्स को हटाने के लिए कहा गया है। अब देखना होगा कि फिल्म कैसे तैयार होती है। बता दें कि जॉन अब्राहम और शर्वरी बाग इन दिनों अपने आने वाले एक्शन थ्रिलर फिल्म बेदा को लेकर खूब सुर्खियों में है। जॉन और शर्वरी पूरी मेहनत से फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं। यह फिल्म 15 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। अब सेंसर बोर्ड ने बेदा के कुछ सीन काटे हैं और कुछ सीन को ठीक करने के साथ नए वॉइस ओवर जोड़ने के लिए कहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीबीएफसी ने 6 अगस्त को बेदा का ये सर्टिफिकेट दिया था क्योंकि इसमें 9 मिनट से ज्यादा की कटौती की गई थी। सेंसर बोर्ड ने निर्माताओं से कहा है कि वो 1 मिनट 16 सेकंड का डिस्क्लेमर संशोधित करे और उसमें वॉइस ओवर जोड़े। इसके अलावा एक डायलॉग जो महिलाओं और सामाजिक पहचान के प्रति अपमानजनक था उसे भी ठीक करने के लिए कहा गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब फिल्म से 2 मिनट 16 सेकंड लंबा फांसी वाला सीन हटा दिया गया है। निर्माताओं से जोधपुर हाईकोर्ट का जिक्र करते हुए जोधपुर शब्द को म्यूट करने के लिए कहा गया है। कोर्ट के अंदर हिंसा के दृश्यों को भी 30% कम करने को कहा गया है। जॉन अब्राहम के अलावा वेदा में अभिषेक बनर्जी और शर्वरी बाग भी दिखेंगे। फिल्म में तमन्ना भाटिया भी होंगी। वेदा 15 अगस्त 2024 को थिएटर्स में रिलीज होंगी। इसका मतलब ये है कि राजकुमार राव और तमन्ना भाटिया की स्त्री 2 से बॉक्स ऑफिस पर भिड़ेगी। ऐसी मूवी न्यूज अपडेट रहने के लिए मूवी मसालों को सब्सक्राइब करें।